नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में और मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। आज हम बात करेंगे, शनिवार को तिल का तेल करेगा कमाल, धन दौलत अच्छी सेहत अच्छी पढ़ाई देगा तिल का तेल। अगहन मास में शनि के तिल का तेल जो है इसका प्रयोग करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि शुभ अगहन मास का आखिरी शनिवार है, लाभ पाने का आखिरी मौका है। भाई अगहन मास समाप्त हो रहा है, उसके बाद अब पौष मास का शनिवार हो जाएगा। यह जो शनिवार है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम प्रयोग करेंगे तिल के तेल का, उसे धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी पढ़ाई सेहत सबका वरदान मिलेगा। आखिरी मौका है आपके हाथ पे, है ना, और उसके बाद पौष मास तो शुरू हो ही जाएगा, गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो पौष मास में सूर्य घर बदलकर धनु राशि में आएंगे तो मलमास शुरू हो जाता है और शनिवार को तिल के तेल का प्रयोग कर ले तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, धन दौलत खुशहाली मिलेगी आपको। तिल के तेल घर में ला करके रखें, शनि के तिल के तेल का महाप्रयोग करें। शनि का तिल का तेल जो है उससे आपके भाग्य को जागेगा, भाग जाग जाता है, आपको सब कुछ देता है। तिल का तेल आपकी मान बढ़ाएगा, शान बढ़ाएगा, शनि की ढैया और साढ़े साथी के कष्टों को कम करेगा। तेल जो है पढ़ाई नौकरी व्यापार सेहत को ठीक करेगा और बॉडी को भी अच्छा करता है। शरीर में मालिश करना चाहिए जाड़े के दिनों में तिल के तेल से, सांस की नलियां जो सर्दी जुकाम की वजह से बंद रहती हैं वो सब खुल जाती हैं। तिल के तेल से मालिश करने से शरीर सुडौल मजबूत होता है, सर्दी खांसी ठीक होती है, बॉडी में एनर्जी पैदा करता है, थकने नहीं देता है। सभी तरह के जो है जाड़ों में तिल के तेल की मालिश किया जाता है। तो कैसे करें प्रयोग, घर में शाम को तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। तिल का तेल शनि के कष्टों को कम करता है और आपके लिए बहुत अच्छा करता है। अब जिन लोगों की शनि की ढैया शनि की साढ़े साथी चल रही हो तो शनि मंदिर में तिल का तेल दीपक जला कर आएँ, तिल के तेल को शनिदेव से नहला दें। तिल के तेल से शनिदेव को नहलाने से शनि का कष्ट कम होता है। सावधानी बरतनी पड़ेगी, शनिवार को तिल का तेल ना खरीदें, यानी शुक्रवार को ही खरीद कर रख लें। और बच्चों की पढ़ाई कैसे ठीक होगी उसके लिए क्या उपाय है, तिल के तेल में बादाम भिगो कर रखें, फिर तिल के तेल से कनपट्टी और को शनिवार को मालिश करें, 8 लौंग इसमें भिगो कर रखें, एक स्टील की कटोरी में दीपक जलाएं, उसमें एक रुई की बत्ती लगाकर भिगो कर ही जलाना है। पढ़ने वाले बच्चों की आप कमरे में भी रात को तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस तरह से आपने जाना कि तिल का प्रयोग करके, तिल के तेल के प्रयोग से आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम।